नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार वर्मा और आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का अपने YouTube चैनल क्रिएट ईच डे अ न्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ मैं आपके साथ दोबारा आया हूं और टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अपनी गलतियों से सीखें। टॉपिक है गलतियों से सीखें। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी पीढ़ियों ने कभी काम नहीं किया है, तो बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं अपनी माँ का, जिसने हमें जन्म दिया। और हम लोगों ने जब इस संसार में अपना जन्म लिया, तब हमारी माँ ने क्या किया कि हमें बचपन में जब चलना सिखाया, तो वो हमारी एक उंगली पकड़ के पैरों पर खड़े होने के लिए एहसास कराती थी। और जब उन्हें लगता था कि हम मजबूत हो रहे हैं अपने पैरों से, तो वो अपनी उंगली छोड़ देती थी। जब अपनी उंगली छोड़ देती थी, तो हम लोग एक दो कदम आगे चलते थे और गिर पड़ते थे। ऐसे ही होता होगा, सबके साथ ऐसे ही हुआ है। तो जब हम गिरते थे तो दोबारा प्रयास करते थे खड़े होने का, लेकिन हो नहीं पाते थे। दोबारा माँ अपनी उंगली पकड़ती थी और धीमे से फिर से उठाकर चलाने का प्रयास करती थी। और धीमे धीमे हम लोगों ने अपने दिमाग में ये बैठा लिया कि इन पैरों से हमें अपने शरीर को चलाना है। और दोस्तों, धीमे धीमे हम सारे लोगों ने कभी कुर्सी पकड़ के, कभी दीवार पकड़ के चलना शुरू कर दिया। वहाँ पर एक बच्चा का दिमाग ये होता है कि हमें जिस चीज़ की आदत डलवाई जा रही है, हमें वो चीज़ पूरी ज़िंदगी करनी है। वहाँ वो बच्चा वो सोचता है। और माँ ये भी देख रही होती है कि जब बच्चा गिरता है तो माँ उसको गिरने देती है, बार बार बच्चे को प्रयास करने देती है, उठकर चलने के लिए प्रयास करने देती है, लेकिन वो अपने को तकलीफ में नहीं लाती कि मेरा बच्चा गिर क्यों रहा है। और वही बच्चा बहुत मजबूत होता है। तो मैं आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में बात बता रहा हूँ कि कहाँ पर गलतियाँ होती हैं। हम बहुत सारे फाइटर ऐसे होते हैं, जब हमें ये बात बताई जाती है कि आपको प्लान करना है, आपको फॉलोअप करना है, आपको मीटिंग लेनी है, आपको FIM करनी है, तो जब हम अपने प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, FIM इन सारी एक्टिविटी में एक्टिव नहीं हो पाते हैं, हमें किसी ना किसी अपलाइन की ज़रूरत होती है, हमें किसी ना किसी अपलाइन लीडर की ज़रूरत होती है, एक्टिव लीडर की ज़रूरत होती है, तो उस जगह पर फिर हमें हमारे अंदर कमी दिखती है कि हमारे अंदर ये कमी है। हम सर को बुलाकर FIM करवा देते हैं। आप प्रयास करें, आप खुद प्रयास करें, आप एक दिन असफल होंगे, दो दिन असफल होंगे, आप डेली प्लान करें, आपके दो बंदे खराब होंगे, तीन बंदे खराब होंगे, 10 बंदे खराब होंगे, 100 बंदे खराब होंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा दोस्त जब आपका प्लान परफेक्ट हो जाएगा और आपको किसी भी एक्टिव लीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको हम एक बात यह बताना चाहते हैं कि अपनी गलतियों से आप स्वयं सीखें कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर कमी रह रही है। और गलती स्वाभाविक है, हम इंसान हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। लेकिन इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो व्यक्ति जो अपनी गलतियों पर काम करता है, सीखता है, बदलाव करता है और सफल होकर दिखाता है। एक वो व्यक्ति जो गलती करता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, मन कमज़ोर हो जाता है, दिल टूट जाता है और वो काम को छोड़ देता है। आप किस परिस्थिति में हैं, ये आपको डिपेंड करता है। आप सोचिए कि आप नंबर वन की श्रेणी में हैं कि नंबर दो की श्रेणी में हैं। अगर आप नंबर वन की श्रेणी में हैं, तो आपका सपना जो आपकी आँखों में दिख रहा है, जो खुली आँखों से आप देख रहे हो, 100% पूरा होगा दोस्त। तो गलतियों से ज़रूर सीखें और गलतियों पर फोकस करके, उसको सीखकर, बदलाव करके आप अपने टीम को अच्छे तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। दोस्तों, आपने समय दिया, यही चीज़ मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया था। और अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपना मैसेज कर दीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। दोस्तों, आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच।